वक्त हम पहुंचे हैं साउथ कोलकाता। साउथ कोलकाता मतलब वो इलाका जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हैं भवानीपुर विधानसभा सीट से। काफ़ी वीवीआईपी इलाका माना जाता है ये, और आज हमने रिक्शा से सवारी की है और आपको इस पूरे इलाके की एक एक तस्वीर दिखाएंगे कि आखिरकार साउथ कोलकाता में क्या हो रहा है, यहाँ के मुद्दे क्या हैं। जो इस इलाके में साउथ कोलकाता के लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, उन लोगों से जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संदीप प्रजापति है। और क्या लगता है आपको इस बार बंगाल में क्या हो रहा है? टाइम नहीं मिलता है कि बंगाल के बारे में सोचने के लिए, फिर भी बंगाल की मिट्टी से हम लोग खा जी रहे हैं, ये इतना बहुत है। इसके लिए दुआ करेंगे कि जो हमारे नेता लोग हैं अच्छी शुभकामनाएं दें यहाँ को, यहाँ के जो परिस्थिति है उसको अच्छा बनाए। अच्छा, अभी जब मैं आ रहा था रिक्शे से तो मैंने सुना कि आप अमिताभ बच्चन की आवाज निकालते हैं। जी हाँ, मैं अमिताभ बच्चन की आवाज निकालता हूँ। निकालिए, दिखाइए। हम भी वहाँ जो आज तक कभी किसी का पीछा नहीं खड़े हुए, हम खड़े यहाँ पे होते हैं, लाइन शुरू वहाँ से होती है भाई साहब। किसकी आवाज है? अमिताभ बच्चन की आवाज बोल रहा है भाई साहब, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? क्या खिला रहे हैं आप यहाँ पर? क्या नाम है आपका? सुदामा साहब। सुदामा साहू, ये यहाँ का साउथ कोलकाता का बड़ा फेमस है क्या? कालीघाट का फेमस है। कालीघाट का तो बंद क्यों कर दिया? हमें नहीं खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे। कि बाहर से आए इसलिए नहीं खिलाएंगे? कोई बात नहीं है, बंद कर दिए, खाने का सामान है ना। अच्छा, ढक के रखते हैं, जो आता है फिर दे देते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा खिलाइए। क्या लग रहा है आपको, राजनीति का स्वाद कैसा है इस बार, ममता या भाजपा कौन है? सीधा बात बोले, जैसा देश वैसा भेष। अच्छा, अरे ममता का राज है तो हम ममता का ही होके बोलेगा सीधा। बस सीधी बात है, इन्होंने तो राजनीति के स्वाद में बिल्कुल तुरंत बता दिया। और ये क्या नाम बताया इसका आपने? दालपुड़ी आलू दम। दालपुड़ी आलू दम, ये कालीघाट का मशहूर है। मशहूर है तो ये कालीघाट का मशहूर दालपुड़ी आलू है ये। और इसके साथ हम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है अम्मा आपका? रामू। रामू कहाँ से है? गुजरात का है, लेकिन हम कोलकाता में रहते हैं, जन्म मेरा यहाँ ही। अच्छा, तो क्या चीजें लगती है आपको इस बार चुनाव में बंगाल में क्या होने जा रहा है? होने जा रहा है, दीदी तो दीदी है, दीदी का यही चलता है, दीदी का दीदी दीदी है। और मोदी जी? अब मोदी का क्या बोले, मोदी जी अभी आ रहा है, मोदी जी आएगा तो आ जाएगा कलकत्ता में, अभी आने वाला चांस है। क्या नाम है आपका भैया? जयराम। तो किसका जय जयराम कर रहे हैं बंगाल में आप? हम लोग इधर ममता जी जो है इधर ही रहना है। हाँ, लेकिन उनको तो जय श्री राम पर बड़ी आपत्ति हो जाती है। उनको तो जय श्री राम पर गुस्सा हो जाती है। गुस्सा होता है उसको गुस्सा होने दीजिए। हाँ, हम लोग का जिसको चलना है उसको बोल दीजिए। तो ये और अब आगे आपको लेकर चलेंगे कालीघाट मंदिर की तरफ। देखिए कालीघाट चौराहे पर लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सविता दास। सविता दास जी, शंख बजा रही हैं आप, एक बार जरा बजा के दिखाइए, काफी अच्छी आवाज आ रही थी। क्या नाम है आपका? जयंत झा। झा साहब, क्या लग रहा है आपको, किसका शंखनाद हो रहा है बंगाल में? बंगाल में जो सरकार है उसी को आने का चांस है। अच्छा, और मोदी जी के बारे में क्या राय है? मोदी ऑल इंडिया में ठीक ही है। हाँ, थोड़ा कुछ कीमत कमा दे तो और भी अच्छा है, जैसे गैस का पेट्रोल का जो कीमत बढ़ गया ना, वही थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, वो तो ठीक ही है, ऐसा कोई बुरा नहीं है। क्या नाम है आपका? रोहन गोइन। आप तो एक युवा है, युवा क्या चाहता है इस चुनाव में? चाहता है कि जो जॉब दे, जो पब्लिक को जॉब दे, जो पब्लिक को सुने वही चाहता है पब्लिक। अच्छा, कौन पब्लिक को सुनेगा, क्या लगता है? आगे आइए थोड़ा सा। वो तो वोट के बाद ही पता चलेगा ना। पब्लिक क्या चाहता है? तो यहाँ बंगाल में परिवर्तन या दीदी आस पे? ये तो अभी हम कोई बोल नहीं सकते क्या होगा। हाँ, तो वो तो पब्लिक ठीक करेगा। आप भी तो पब्लिक है। हाँ, तक थोड़ी कोई ओपन में बोलेगा किसको कौन वोट देगा। देखिए ये आप लेकिन वोट देने जरूर जाइए। हाँ, ये तो सबको चाहिए ना, क्योंकि अगर आपको जो फील होता है हुआ वोट के ऐसा वोट, और आप वोट से दीजिए, आपको क्या चाहिए। कालीघाट मंदिर के बाहर जो लोग हैं उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? सुभाष जैन। सुभाष जी, क्या लगता है बंगाल में इस बार कौन? कंफ्यूजन है। अच्छा, क्यों कंफ्यूजन है? अभी 50-50 है, देखे क्या रहता है, जिसका काम अच्छा रहेगा वो आएगा।
पहुंचे हैं नेताजी भवन। नेताजी भवन मतलब कोलकाता में जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहा करते थे। कोलकाता में नेताजी भवन को सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकीनाथ बोस ने बनवाया था और यहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहा करते थे कोलकाता में। इस भवन से स्वतंत्रता संग्राम की बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। चलते हैं सीधे अब नेताजी भवन के बाहर और आसपास के जो लोग हैं उनसे चुनाव का मूड जानते हैं और नेताजी के बारे में भी उनसे कुछ बात जरूर करेंगे। अरे आप लोग बहुत मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा आप लोगों से बातचीत हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज है। सूरज कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं का रहने वाला हूँ। तो किसका सूर्योदय होगा सूरज इस बार बंगाल में? 50-50 चांस है दोनों पार्टीज का। दोनों पार्टी इक्वल पावर में है, एक स्टेट में है एक केंद्र में है। इस बार जोरदार मुकाबला होगा। क्या नाम है आपका? किशोर कुमार सेठी। सेठी साहब कितने साल से यहाँ दुकान लगा रहे हैं आप? 20 साल से। 20 साल में कुछ बदला बंगाल? कुछ तो नहीं, जैसा ही वैसा ही है। वैसा ही है। तो बंगाल में बदलाव होगा या जो चल रहा है वही चलेगा? बदलाव होगा। क्यों? होगा बदलाव। क्या नाम है भैया आपका? विक्की। विक्की क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मतलब अभी बंगाल का? हाँ बंगाल का तो हाल बहुत खराब है, कोई बोल सकते है कोई नहीं बोल सकते। प्रॉब्लम तो सबके अंदर ही है लेकिन बोल नहीं पा रहे आदमी लोग, यही प्रॉब्लम हो गया अभी बंगाल का। अच्छा आप क्या चाहते हैं, मुद्दा क्या है कि युवा क्या चाह रहा है बंगाल का? हम तो चाह रहे हैं परिवर्तन का, परिवर्तन। इस वक्त हम दक्षिण कोलकाता के जग्गू बाजार पहुंचे हैं और जग्गू बाजार में मिठाई की एक बहुत बड़ी और फेमस दुकान है बलराम मल्लिक। यहाँ पर हम इसलिए आए हैं ताकि संदेश जो बंगाली मिठाई है उसका स्वाद तो ज़रूर लें और आपको भी उस मिठाई के बारे में बताएं। इसके साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि यहाँ पर बंगाली जो संदेश है उसका राजनीतिक संदेश क्या है। दादा यही है बलराम मल्लिक। तो देखिए अब हम बलराम मल्लिक पहुँच गए हैं, सीधे चलते हैं। बंगाल का राजनीतिक संदेश क्या होगा, क्योंकि इस वक्त आप देखिए हम आए हैं बलराम मल्लिक और यहाँ पे संदेश हमारे हाथ में है। अपनी मिठाई के लिए बंगाल जाना जाता है, मिठास के लिए जाना जाता है। वैरायटी बहुत आ गया है अभी संदेश का, अभी हम लोग 150 टाइप का संदेश बनाते हैं अलग। ये कौन कौन सा संदेश है जरा बताइए? जैसे ये आपका मॉडर्न संदेश हो गया, एकदम फ्यूजन, इसको हम लोग बोलते हैं नॉलेंगूर फ्यूजन सूफले संदेश। ये बहुत ट्रेडिशनल, ये मलाई का, इसको सौरे संदेश बोलते हैं। ये जैसे आपका हार्ट शेप संदेश हो गया, चॉकलेट संदेश है। ये हम लोग का सबसे फेमस संदेश है, इसको बोलते हैं जल भरा तालसा संदेश। जल भरा, हाँ। और ये गुलाब का संदेश है आपका, एकदम गुलाब का पानी से ही बनता है। अच्छा ये गुलाब का संदेश, ये दिल का संदेश, बंगाल का दिल किसके साथ जा रहा है? देखिए कोई भी आए कोई भी जाए मगर बंगाल का मिठास नहीं जाएगा, बंगाल का मिठास बरकरार रहेगा और हम लोगों का मिठाई का रंग भी चेंज नहीं होगा। हर रंग का मिठाई आपको इधर इस दुकान में मिलेगा और बंगाल में हर रंग का मिठाई मिलेगा, हर स्वाद का मिठाई मिलेगा। अब एक फैमिली के पास लेकर चलते हैं जो यहाँ पर है। आप लोगों ने संदेश खा लिया? तो सब संदेश तो आप लोग खा रहे हैं यहाँ पर, हमने भी टेस्ट किया। पॉलिटिकल संदेश क्या है बंगाल का? लेकिन रसगुल्ला भी आ गया। पॉलिटिकल संदेश क्या है दीदी यहाँ से? आई वॉन्ट ऑब्वियसली इज द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, दैट इज द ओनली वन एवरीवन वांट्स। सो स्टेट मींस नॉट ओनली फॉर द रोड्स, रोड कंडीशन, द हेल्थ कंडीशन, द ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द, आल्सो आई थिंक पीस। आपका क्या नाम है? स्नेहा। स्नेहा आप यूथ हैं, आप लोग ये नई जनरेशन क्या चाहती है बंगाल में? I think especially northern Bengal for peace, you know, for peaceful election to take place, I think is very important. और लोगों के पास चलते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं बलराम मल्लिक में। क्या नाम है आपका दादा? मेरा नाम प्रियांको चैटर्जी। चैटर्जी जी, दीदी या मोदी कौन है आपकी पसंद बंगाल में? You see, so far, दीदी is doing a good job.
ओके बट पीपल समटाइम्स वॉन्ट्स चेंजेस अच्छा ओके टू सी ऑलवेज पीपल पब्लिक आर लाइक ऑलवेज ट्राई फॉर न्यू थिंग्स टू सी वेदर मोर डेवलपमेंट कैन हैपन बिकॉज द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इज नॉट इन दीदी और मोदी दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट शाम हो चली है दक्षिण कोलकाता की गलियों में और यहाँ के लोगों से हमने विस्तार से बातचीत की। दक्षिण कोलकाता के लोग शिक्षा की मांग कर रहे हैं, शिक्षा में सुधार होना चाहिए, युवा नौकरी मांग रहे हैं, महिलाएं सुरक्षा मांग रही है, यहाँ के लोगों का यही कहना है। दक्षिण कोलकाता ने एक संदेश और दिया है कि चुनाव शांति से होना चाहिए, यहाँ हिंसा नहीं होनी चाहिए। इस वक्त हम बंगाल के दुर्गापुर में हैं और दुर्गापुर में एक बस, लोकल बस जो यहाँ से सवारी जा रही है। चुनाव का ऐलान हो चुका है, पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लोग क्या सोच रहे हैं यहाँ पर, तो इस बस में, लोकल बस है, लोकल बस में चल के लोगों से बात करेंगे कि चुनाव को लेकर आखिर इस बस के लोग क्या सोच रहे हैं जो यात्रा कर रहे हैं। आइए चलते हैं इस बस में। तो ये लोकल बस है जो दुर्गापुर में जा रही है, लोग सवारी यहाँ से जा रहे हैं। दादा, बंगाल में चुनाव का ऐलान हो चुका है, तो बंगाल में किस तरह की सरकार बनने वाली है इस बार? इस बार तो लगता है, देखिए अभी तो वोट का पहले कुछ बोल नहीं सकता है, लेकिन जो है बीजेपी का चांस ज़्यादा लग रहा है हमको। आप ज़्यादा बंगाल के रहने वाले होंगे, बंगाल में चुनाव के तारीख का ऐलान हो गया है, क्या लग रहा है बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है? ये अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। मोस्ट प्रोबेबली जो अभी हवा यहाँ पे चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी इज गोइंग टू कम। ये अंडरस्टैंड करना सर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सर। पीछे चलते हैं क्योंकि कम लोग बात करते हैं, बंगाल की राजनीति बड़ी मुश्किल है और यहाँ बोलने से लोग बहुत डरते हैं। आप लोग तो बात करेंगे कि आप लोग महिलाएं क्या चाहती हैं, बंगाल में किसकी सरकार बननी चाहिए? जिसका भी सरकार बने ना, कि आम जनता का हर सुविधाएं मिले, यही बोलेंगे। चाहे तृणमूल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे दूसरा कोई राजनीतिक दल हो। एक और सरकार चाहिए? बीजेपी चाहिए। बीजेपी चाहिए। अच्छा, क्यों ममता जी से नाराज है? नहीं, वो बात नहीं है, बात नहीं है। सरकार यही होना चाहिए कि सर रोजगार मिले, और हमारी ये रोजगार है कि अभी हम यहाँ के रहने वाले हैं और हमें रोजगार दिल्ली में मिल रही है, तो ये गलत बात है। किसी की भी सरकार हो, हमें जो रोजगार जो हम जहाँ है वहाँ मिलनी चाहिए। ड्राइवर साहब, आपकी आप तो डेली गाड़ी चलाते होंगे, सवारी लेकर जाते होंगे, अमूमन सवारी लोग में चूँकि चुनाव का समय चल रहा है, बातचीत होती होगी, तो क्या मूड दिख रहा है आपको? अभी देखिए बीजेपी के तो राज मोटा मोटी आने का संभावना है। कोई भी सरकार हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। हम लोग जो ड्राइवरी है, ड्राइवरी कर रहा है, कोई हेल्पर है, कंडक्टर है, ये सब का अपना अपना कर रहा है। दुर्गापुर से हम कलकत्ता जा रहे थे, कलकत्ता जाने के रास्ते में हमें एक बस मिली, बस हावड़ा जा रही है, हावड़ा जाने वाली सवारी है। आप लोग बंगाल में चुनाव है, क्या सोचता है किस तरह की सरकार चाहिए? ये तो नहीं बोल पाते, सरकार अच्छी चाहिए, सरकार अच्छी बनी नहीं पाएगी, सरकार अच्छी बनी नहीं पाएगी। जो सोचा जाता है वो नहीं बोला जाएगा, वो गुप्त में है, वो बात नहीं कोई बताएगा। नौजवान है, रोजगार है यहाँ पे? हाँ, रोजगार है, मिलता है रोजगार, रोजगार मिलता है। तो जो भी आएगा, कौन आएगा? आएगा तो अभी बीजेपी आएगा, बीजेपी आएगा। क्या लग रहा है बंगाल में आप रहते हैं, बंगाल में चुनाव को लेकर क्या माहौल है? माहौल तो अभी दो पार्टी में बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म है। कुछ का कहना है कि टीएमसी की सरकार बनेगी, कुछ कह रहे हैं कह नहीं सकते, अगर कहेंगे तो मार होगा, झगड़ा होगा, इसलिए हम अपनी बात कह नहीं सकते हैं। चुनाव आएगा, वोट देंगे अपने मर्जी से, किसकी सरकार बनेगी तो आपको फायदा होगा। परिवर्तन होना जरूरी है, जो काम सीपीएम का के हार गया वही काम ये सरकार कर रही है। चेंज होने वाला ही है, चेंज होने वाला है, क्योंकि राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट होना चाहिए, राज्यों का विकास के लिए एकदम ये होना चाहिए। राज्य सरकार बोल रहा है सेंट्रल पैसा नहीं दे रहा है, और सेंट्रल पैसा दे रहा है बोले खर्चा नहीं कर पा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट दोनों एक गवर्नमेंट होना चाहिए। सब जा रहे हैं हावड़ा, जा रहे हैं हावड़ा, जाने वाले लोगों से बात की, उसमें तमाम तबके के लोग हैं और तमाम अलग अलग तरह की बातें आई है, और कुल मिला जुला के है कि बदलाव भी लोग चाहते हैं, लेकिन लोगों में गुस्सा भी है कि रोजगार नहीं है, बाहर जाना पड़ता है, नौजवानों में गुस्सा है और कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी तो बंगाल के लिए बेहतर होगा और बंगाल का विकास होगा। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, हावड़ा। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।